मेरे पति के नाम का जो कि पता नहीं कहाँ है। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू भावना ब्लॉगर चैनल। अरे सॉरी, हाथ आ गया। तो अभी हम कार में बैठ चुके हैं, आज जा रहे हैं शूट पे। आज सब हीरो भी हमारे साथ बगल में, दिखाइए जरा हीरो को। अरे सर, तो सर कैसा लग रहा है आज आपको, आज हमारे साथ आप बैठे हैं? आज इतना मजा आ रहा है कि पूछो मत। इतना कल भी नहीं आया था, आज इतना मजा आ रहा है। आज पंकज हमारे साथ है, ब्लॉगर भावना हमारे साथ है, तो आज मजा तो आने। और सर ने भी चैनल खोल दिया है, बताइए चैनल का नाम। अजय सोलंकी ऑफिशियल, जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए और वायरल कर दीजिए। वायरल और हमारे साथ डीओपी भैया भी हैं, और इनसे मैं मिली हुई थी मेरी नाग हेलो गाइस, नहीं थराली में मिली हुई थी। ये ब्लॉगर, ये है नवी भैया, और ये भैया अपना परिचय दीजिए। विकास भैया जी, विकास भैया जी, गजेंद्र राणा। थोड़ा थोड़ा मतलब चुटिया बनाइए ना, तो लग रहे थोड़ा थोड़ा गजेंद्र राणा जी जैसे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शूट के लिए, और दो दिन लगातार हमारा कैंसिल हो चुका है। आज अजय सर आया, क्या पता हो जाए शूट। आज इनका शूट पूरा करने के लिए मैं आया। क्या पता, क्या होना ही होना है भाई, बहुत बिजी लोग हैं। बहुत आज तो हो गई होगा, हो गई होगा। मैं तो क्या, एक दिन और है। मैं तो वैसे दो दिन के लिए आया हूँ, अगर जबरदस्ती एक दिन में कर दे क्या बोलूंगा। एक दिन घूम लूंगा, एक दिन मैं घूम लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं शूट की लोकेशन, हमें भी नहीं पता कहाँ है। जहाँ बारिश नहीं होगी हम लोग वहाँ रुक जाएंगे और कर लेंगे। अभी तो बहुत अच्छी जगह बोली, पता नहीं। अभी तुम गाड़ी में बैठे, गाड़ी नहीं चली हमारी। देहरादून द्वारा। चलो अभी यहाँ भजन स्टार्ट हो गए, कच्चा मले जा, थोड़ा धार्मिक हो जाते हैं, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना आज का। डीओपी भैया करके पॉज कर दो। डीओपी भैया पॉज। घर कब टाइम हो चुका है 12, और भावना रेडी हो रही थी, तो मैं उसका ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट क्या करी दिया उसने, स्टार्ट गाड़ी पे, और हम पहुँच चुके हैं अभी कोटाबाग पे। कोटाबाग से आगे गांव वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और मौसम ख़राब ही हो रहा है, पर ऐसे ही रहे तो सही है। और वो तैयार हो रही है अंदर कहीं पर, दिखाता हूँ मैं। ये देखो गाइस, 16x22। और भावना यहाँ रेडी हो रही है, ये रूम भावना का। भावना हाय बोल खिड़की से, भावना हाय बोल खिड़की से। हाय, तो ये हमारा रूम है, आ जाओ जल्दी बता, फिर दीपक दा काटेंगे। हमारा चेंजिंग रूम है, हम जहाँ आए हुए हैं ना, वहाँ भैया लोगों ने हमें चेंज करने के लिए रूम दिया है, तो वो ये रूम ये है, नया ही बना हुआ है, ठीक है। फिर भी और लेकिन रानी के रानी की कहीं नहीं है, सजावट के लिए नया सामान आया। यार बोतल। अजय भाई आ चुके हैं ब्लॉग बनाते हुए, फटाफट रेडी होते हैं, चेंज करते हैं, और उसके बाद मिलते हैं आपसे आगे। तो दगड़ियों, अभी मेकअप कंप्लीट हो चुका है, और मेकअप आर्टिस्ट हमारी वही परसों वाली रूपा दी, और बाहर चल रहा है शूट, तो मैं बाहर आने के लिए मना किया हुआ है। और ये साड़ी जो है ना, अभी से ली मैंने ये घर पे, और ये मंगलसूत्र मेरे पति के नाम का नहीं है, जो कि ये मैंने कल 50 रुपये का लिया सैटरडे मार्केट से। ये मैंने भी ये कल 100 रुपये का लिया, ये 100 रुपये। अरे इतने सस्ता सामान, मैं तो कुछ लाई नहीं थी ये शादीशुदा वाला सामान, तो भैया ने मेरे को बोला मार्केट से जाके लिया, तो उस समय मार्केट से लाई नया। पता है मुझे ऐसे इयररिंग्स चाहिए ही हो रहे थे, तो ये फिर मुझे दिए अच्छे लग रहे हैं, पता है 100 रुपये की मिल गई मुझे, ये मस्त लग रहे थे छोटू छोटू से। तो बाकी सब न्यू है, कब किसी ने किसी से मांगे। बाकी यार न्यू हेयर स्टाइल है मेरी, ये देखो अलग वाली हेयर स्टाइल बनाई है, थोड़ा सा मॉडर्न बनाई है। अब पता नहीं कैसा लुक है ना, फिर इसको रिक्रिएट करना पड़ेगा हमने। पता है ऐसी चीज़ों से हेट भी मिलता है कि तुम शूट पे बिना शादी के मंगलसूत्र पहनते हो, मांग भरते हो करके मिलता है। लेकिन ये मांग नहीं है, पता है ये लिपस्टिक है, और ना मंगलसूत्र कभी कभी यार ये ना, पता है मैंने कितने बार बोला लोगों को कि हमारी चीज़ें नहीं होती, मतलब हम अपने मन से नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी है, इस वजह से यूज़ करते हैं। पता है बहुत बार कह चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बोलते हैं लोग, कोई बात नहीं। लेकिन फिर अगर ये ना पहनो तो फिर म्यूज़िक में ओरिजिनल नहीं आएगा, फिर म्यूज़िक में ओरिजिनल नहीं आएगा, तो उसमें भी लोग बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा, क्योंकि लुक ही वैसा क्रिएट करना पड़ता है औरत वाला टाइप का। नहीं तो फिर अगर हम नॉर्मल लुक रहेंगे तो उसमें फिर बच्चों वाला लुक आ जाता है ना, तो वीडियो को अच्छा बनाने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। सिंदूर मेरे पति के नाम, जो कि पता नहीं कहाँ है,
सिंदूर मेरे पति के नाम का, जो कि पता नहीं कहाँ है। बाकी बाहर शूट चल रहा है, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे हम शूट। मैं नहीं दिखाऊंगी, पंकज दिखाएगा, उसको बोलूंगी मैं चुपके से बना देना, नहीं तो दीपक भैया नहीं बनाने देते हैं। अभी आएगी मेरी बारी तो भैया मुझे बुलाएंगे। बाकी एक जुगाड़ू पंखा लगा हुआ है यहाँ पे, मस्त हवा आ रही है, सही हो रहा है बैठने का। अभी हम लोग जा रहे हैं शूट की लोकेशन पे, देखो लोकेशन। और यहाँ देखो पेड़ों पे इतने बड़े बड़े कटहल लगे हुए ना उधर सामने। भौंका भी मेरे को ही देख के, और किसी को देख के नहीं भौंका वो, जानता है ना वो बोल रहा है इंस्टाग्राम फॉलो कर। ये देखो लोकेशन आज की, अभी अभी मेरा लुक चेंज हो गया। ये है हमारे शूट की लोकेशन। ये रही मौसम इतना अच्छा हो रहा है देखो आज। अरे सही हो रहा पंकज के लिए। हमारे रोहित भाई, ये क्या है रोहित भाई? दोस्तों हमारा स्टार्टिंग का पार्ट हो चुका है। हम लोग ना ऐसा करते हैं अक्सर, स्टार्टिंग का पार्ट हमारा लेट होता है, लेकिन ये देखो मेहनत इतने बार फेंका ना इनको मैंने नीचे। मस्त हो रहा है तो। अब भैया नीचे नदी पे जाने का शॉट देखना कि नदी को मिलेगा तो कुछ शॉट करके। पता सुबह के टाइम पे ऐसी होता कुत्ता नहीं हो, डॉगी है, डॉगी। ये बेइज्जती है, मेरा काम नहीं है। बल अच्छा ठीक है, मेरा काम नहीं है बल। देखा सुबह उस टाइम कैसी बन रही थी मैं, चिल्लाती गर्मी में। ये छोटा सा पंखा फिर से वहीं आ गए पंखे के नीचे बैठने के लिए। अरे इतना गर्म हो रहा है ना बाहर, अब तो धूप आ गई देखो, अब तो धूप भी आ गई। भैया लोग शॉर्ट करने के लिए गए हुए हैं और हमारा शॉर्ट अभी मेरा नहीं है। मैं तो हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट हो गया, तो भैया का है तो भैया गए हैं उधर नदी साइड को और सभी लोग गए हुए हैं। हम लोग यहाँ पर इतने तक गर्म हो रहा था ना, तक गर्म क्या बताऊँ, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। पता जब वैसे धूप आती ना तब उतना गर्म नहीं लगता, लेकिन जब वो हो जाता है ना, वो जब धुंध लग जाती है और वो लग जाता है बादल वादल लग जाए, तो और भी ज़्यादा उमस टाइप की हो जाती है बहुत ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, मेरा अवतार चेंज हो चुका है। और यही साड़ी देखो कितनी मस्त लग रही, अच्छी लग रही ना, मैं हूँ ही अच्छी। बाल अच्छे नहीं है पर मेरे, पहले मेरे सर में दर्द नहीं होता था, मुझे ऐसा लगता था यार लोग कैसे लोग मेरे कितनी नौटंकी करते हैं क्योंकि सर में दर्द हो रहा है ये हो रहा हुआ। जब मेरे सर में होने लगा ना तब मुझे पता चला, जब खुद पे बीती है तभी पता चलता है भाई कि हमारे अजय भाई आ चुके हैं। और कैसा है रहा सब? ऑल गुड। कैसा था खाना वाना सब? बढ़िया, सब चीज बहुत बढ़िया, बस हवा नहीं चल रही, थोड़ी सी हवा चलवा देंगे। दीपक भैया हमारे आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, लड़के भी मेकअप करते हैं। मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि लड़के भी मेकअप करते हैं और सुंदर क्यों इसलिए ज्यादा ही सुंदर हो गए हैं अजय भैया, इसलिए उन्हें और सुंदर करने की कोशिश कर रहे हैं हम। हमारी दीदी मेकअप वाली दीदी, भयंकर गर्मी गर्मी हो ही रही है यार भैया। जी हाँ दोस्तों, पंकज जी आ चुके हैं और सो चुके हैं यहाँ पर। देखिए देखिए पंकज जी को, देखिए सो चुके हैं यहाँ पर। देखिए साउंड चला रहा, सो जा रहा है। ये है ना, एक ये नहीं होता ना यहाँ, अभी कोई नहीं आता। ये है ना सबका मालिक, एक पंखे के लिए आए गाइस, यहाँ सब मतलब ही इंसान है। मैं तो टूट गया अब। पंकज मेरी रील नहीं बना रहा है गाइस, देखो। हाँ देखो तो जरा, अभी जितने भी रील आएंगे ना इनके साथ या अकेले, इस साड़ी अगर साड़ी का कलर दिखा, हमारी किसी की नहीं बना रहा। अरे गाय पंकज का कल का व्लॉग वायरल हो चुका है, तो पंकज को बहुत बहुत बधाई है कल का व्लॉग। पंकज का वायरल पता है, सबसे पहले देखा मैंने ही तेरा वो व्लॉग। अब ये इसको यकीन नहीं आएगा लेकिन इसका व्लॉग सबसे पहले हमेशा मैं देखती हूँ, जब लिंक भेजता है ना, सच बात है देखो यहाँ का एरिया देखो कितना अच्छा लग रहा है, जैसे पहाड़ वाला एरिया होगा और ठंडा ठंडा और ठंडा ठंडा होगा और इतना गर्म हो रहा है। फिर तू नहीं ब्लॉग व्लॉग बनाने में लग गया, बैठ तू नहीं घर पे।
भैया मेरी क्या गलती है? जब देखो बनाते रहेगी, मैं तो नहीं बना रहा। बाप रे, इससे ज्यादा जलन खोर दोस्त तू दोस्त के लाने के लायक ही नहीं है। खाली टाइम पे ना तू कितना कह देगा भैया से? भैया कुछ नहीं कहेंगे, समझ आया? भैया है मेरे, भैया, समझ आई तुझे? ये देखो देखो जलनखोर आदमी को, नेपाली को देखो ये। नेपाली लड़कियां। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी अगली शूट की लोकेशन पे, जो कि हमें नहीं पता कहाँ है, तो देखते हैं कहाँ है। अभी तो हम लोग कोटा बाग में फिलहाल, लेकिन जगह इतनी अच्छी लग रही है ना, जाड़ों के टाइम पर अच्छा लगता होगा, लेकिन अभी ना बहुत उमस सी हो रही है। इन चोरों ने मेरा चिप्स का पैकेट खा दिया। ये देखो, ये नहीं खाया वो है वो, और ऊपर से कमरा करके बंदरों को खिला रहा है वहाँ। मैं देख रही थी उसको पीछे वाली गाड़ी। ओ यार, बंदरों को खिलाने में क्या हो रहा है? भगवान है वो, ये क्या भगवान? अरे यार चलो कोई बात नहीं, लेकिन ना इसने खा दिया यार, पूरा ही खा दिया यार वो। भैया बच्चा खाएगी? व्लॉग व्लॉग बना रहे हैं बिल्कुल, चिप्स चिप्स खा करके। मेरे लेने भी तो पड़ते, मैंने जब लेने के लिए जाकर तब नहीं भागा। कौन जाता है रसगुल्ला लेने? छोड़ दे कितना है समझ रहे समझ जाओगे। अभी हम शूट कंप्लीट करके यहाँ आ गए हैं, मतलब हल्द्वानी मार्केट, हल्द्वानी में हम अभी। चैनी करनी पड़ी है, चैनी चल रहा है, चैनी करनी पड़ी है। भावना तानसेन गाड़ी गाड़ी में ले देना, तानसेन दे तो दूंगा। बाप रे, तानसेन के लिए कैसा कर रही है? दे दे 5 रुपए कर्जा सही। कुछ भी, अब हम लोग जा रहे हैं सीधे घर को, कल को करेंगे शूट। मतलब नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब थोड़ा ही हुआ, क्योंकि हमें शूट की लोकेशन नहीं मिली, फिर बीच बीच में बारिश भी हो रही थी, मतलब ओवरऑल की वहाँ जगह नहीं थी और हमें स्पेस उतना नहीं मिला, तो हम लोग सीधे घर जा रहे हैं। और रास्ते में हम लोग मतलब जगह ढूंढते ढूंढते आए, ये देखो हरकतें, ये देखो हरकतें, देखो रास्ते में जगह ढूंढते ढूंढते आ रहे थे हम, लेकिन मिली नहीं हम लोगों को। कल को जाएंगे अब हम लोग मस्त खुरपा ताल, वहाँ बहुत मस्त ताल है। अब हम परसों गए थे ना वहाँ वाली जगह पे जाएंगे। अब चलते हैं सीधे घर को, ये तो ऐसी नौटंकी करता रहेगा। अच्छा हुआ, ऐसी लगनी थी मुझे, चलाएगा चलाऊंगी। अब हम लोग आ चुके हैं घर, देखो यहाँ नीचे सोने की तैयारी चल रही आंटी। मैं सोऊंगी नीचे, मैंने कहा मैं सो जाती हूँ, अब रूपा दी। हम लोग लड़ रहे नीचे सोने के लिए, लड़ क्योंकि ये है कि मैं आंटी खुद, मैं नहीं चाहती कि आंटी नीचे सोए, रूपा दी सोए कोई बात नहीं, मैं नीचे सोऊं कोई बात नहीं, आंटी नहीं सोएगी नीचे। अपने घर में कौन आंटी को नीचे सोने के लिए देगा? यही है, मैं नहीं चाहती कि हम अपने आने सो। तो अब फिलहाल इस व्लॉग को इन करते हैं, कल को फिर शूट पे जाना है, परसों को फिर शूट पे जाना है। नर्सों को प्लीज मुझे अल्मोड़ा जाना है, मैं थक चुकी हूँ क्योंकि यहाँ की गर्मी खा खा के। इस व्लॉग को इन करते हैं, होप आप सभी लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।